कि जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं यानी ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में, तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कुछ फ्रॉड होगा, कोई स्कैम होगा, और बहुत लोग कर भी रहे हैं इस तरह के स्कैम्स। तो कैसे ये फर्क किया जाए कि क्या जेन्युइन है और क्या फ्रॉड है, और जितना भी आपको एक्सपीरियंस है जितने भी तरह के आप लोगों से। तो सर रही बात फ्रॉड की, तो मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ तरीका है नहीं ऑनलाइन पैसे कमाने का, क्योंकि मैं 2010 में ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तभी उस समय काफी फ्रॉड आते थे कि सर्वे भर लो, ये कर लो, ऐड पे क्लिक कर लो, बहुत सारी चीजें आती थी, तो जिससे लगता था कि यार कुछ टाइम तक करते थे बट नहीं होता था, पैसे नहीं आते थे अकाउंट में। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो हटाओ। एंड यूट्यूब पे तो सर आपको देखते आ रहे 2013 से, एंड इसकी भी स्टोरी बड़ी अलग है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, तो वो लैपटॉप पे आपकी वीडियोस देख रहे थे, तो मैंने बोला यार ये क्या देख रहे हो, ये मोटिवेशन वाले लोग पागल बनाते हैं। उन्होंने बोला नहीं यार ये बहुत अच्छा बताते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो जब मैंने गौर किया तो टाइटल लिखा हुआ था कि आप IIT कानपुर में कोई सेमिनार ले रहे थे। तो मैंने बोला अगर इस बंदे को IIT वाले सुन रहे हैं मतलब जरूर कुछ तोप होगा। फिर मैंने सर आपकी वीडियो देखना शुरू किया एंड तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी आज सुबह आने से पहले मैंने मॉर्निंग अफर्मेशन में सुन के आया। रही बात आते हैं उस पे पैसे वाले टॉपिक पे, आज इतने रिसोर्सेज हैं कि लाइक इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना करियर बना सकता है, इवन इतने पैसे बना सकता है कि जितना आप जॉब से या फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी के CEO नहीं बना सकते। विदाउट इन्वेस्टमेंट तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग, जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो, नहीं भी पकड़े तो आप उसको सीख सकते हो। 1 से 2 महीना लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खुद जब कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करी थी मुझे नहीं आता था। मैंने 10 ब्लॉग उठा के पढ़ने शुरू किया, अच्छा ऐसे लिखे जाते हैं, चलो भाई मेरे को भी टॉपिक दे दो मैं लिख दूंगा। तो वैसे करके मैंने सीख लिया। बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप जो भी स्किल के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो, एक तो इतनी डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी मेरे चैनल।